जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं राहत की सांस आती है कि हाँ 3 महीने यानी कि शुरू के 12 हफ्ते जो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है वो पार हो गए, अब आपकी गर्भावस्था सुरक्षित है। लेकिन एक नई जर्नी, एक नया एहसास अब आपके साथ जुड़ने वाला है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है आपने ज़रूर उसको सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप और हम जुड़े रहें, हमारे विचारों का आदान प्रदान चलता रहे। फ्रेंड्स, जैसे ही एक प्रेग्नेंट माँ 3 महीने पूरी कर लेती है, कुछ नए अनुभव उनकी प्रेगनेंसी जर्नी में जुड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का अब आपको ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, अपनी केयर के लिए और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी। आइए जानते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे से बात करना। आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, वो भी समझते हैं। जब माँ पेट पर अपना हाथ फेरती है तो बच्चे को फील होता है कि माँ उससे कम्युनिकेट कर रही है। और जब भी आप खाली बैठे हों, जब भी ध्यान आए तो अपने पेट पर हाथ फेरें। एहसास की बात होती है माँ और बच्चे के बीच में, तो आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट ज़रूर करें। इससे बच्चे का हार्ट बहुत मजबूत होता है, बच्चे के अंदर डर भय घर नहीं कर पाता। आपका कम्युनिकेशन बच्चे से जो होगा टच के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, वो बच्चे की भी कम्युनिकेशन स्किल और माँ से बॉन्डिंग को मजबूत बनाएगा और एक दुनिया में आने वाली पर्सनैलिटी पॉजिटिव और मजबूत पर्सनैलिटी होगी। पॉइंट नंबर 2, अब धीरे धीरे करके आपका बेबी बम्प बढ़ेगा, बच्चा धीरे धीरे वेट लेगा। सेकेंड ट्रिमेस्टर के एंड तक काफ़ी आपका पेट बाहर निकला हुआ आपको महसूस होगा, तो अब वक्त आ गया है कि अब आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। बहुत सारे फैंसी नाम आपको मॉइस्चराइज़र में होंगे, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे ऑथेंटिक विथ नो साइड इफ़ेक्ट, वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल को ब्रेस्ट पे, अपने थाइस पे, अपने पेट पे बहुत अच्छे से अप्लाई करें, या फिर कोई अगर आप कंफर्टेबल हैं किसी मॉइस्चराइज़र से, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो जो कि स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करे, हाइड्रेट करे। अब धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि आपके जॉइंट्स में, कहीं नसों में खिंचाव होगा, पेट में नीचे दर्द होगा, ऐसे बहुत सारे डिस्कम्फर्ट आएंगे, लेकिन वो कोई मेजर इशू नहीं है। बस आपको उनसे बचने के लिए योगासन, एक्सरसाइज, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी है। अपना पोस्चर यानी कि कमर से जो आपका खड़ा होने, उठने, बैठने का तरीका है उसको बहुत ही जेंटल रखें, पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रखें, क्योंकि इसी समय आपका पोस्चर अगर बिगड़ जाएगा तो थर्ड ट्रिमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होगी। खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक से डाइट नहीं लेंगी तो पेट में जो नन्हा सा बेबी पल रहा है वो मजबूत कैसे बनेगा। आपकी हर मील बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फल, सब्जियां, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर मील को एनरिच करें। यूट्यूब मॉम आपके लिए ऐसे कई वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि आप अपनी डाइट को समझ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, फलों में, सब्जियों में, अनाज में, कुछ इंस्टेंट स्नैक्स रेसिपीज, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए शेयर की हैं चैनल पर, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर जाकर देखें। हो सकता है कि अब जो बदलाव आए उसमें आपका मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो, तो ऐसे में आप जो एक्सरसाइज करेंगी वो आपको बहुत राहत दिलाएगा। बहुत सारे डिस्कम्फर्ट एक्सरसाइज से खत्म हो सकते हैं, शारीरिक ही नहीं, मैं मानसिक की भी बात कर रही हूँ। टेंशन, स्ट्रेस सब कुछ दूर होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स आपको बहुत ही खुश रखते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इससे बच्चे को भी अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा। और माँ अगर कुछ प्रेगनेंसी में करती है तो वो कहीं ना कहीं बच्चा सीख रहा है, बच्चे में भी फिजिकली एक्टिव रहने के संस्कार, वैल्यूज़ डेवलप होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मुझे लगा बेहद ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा। लेकिन अगर इस वीडियो पे आपके कुछ विचार हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके कुछ सुझाव हैं वो भी हमें ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।